मग तुम्ही कसे आहात? तो 1 अक्टूबर से बस 5G 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 चल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 अक्टूबर को इंडिया में 5G लॉन्च हो चुका है, और उसी सेम डे पे एयरटेल ने तो अनाउंसमेंट कर दिया हमारा 5G आज से स्टार्ट। 8 शहरों में आज 5G एयरटेल की तरफ से उपलब्ध होगा, दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, और आपको पता है कि एयरटेल का जो 5G है NSA बेस है, तो इन्होंने ना 4G टेक्नोलॉजी का यूज करके 5G लेके आ रहे हैं, तो इनके लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। जियो का 5G लेट आएगा क्योंकि वो ट्रू 5G है, जियो वाला ऐसे के स्टोन अलोन के साथ आता है, तो उसके लिए सिम कार्ड वगैरह चेंज करने की जरूरत है, बहुत कुछ करने की जरूरत है। बट एयरटेल में कोई दिक्कत नहीं, जिनके 4G सिम्स है उसमें आपको 5G सिग्नल्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बट फोन भी 5G होना चाहिए। मैं ये बताने के लिए वीडियो में नहीं आया हूँ, एक्चुअली मैं हूँ करंटली दिल्ली में, और बोला जा रहा है दिल्ली एयरपोर्ट और कैनॉट प्लेस, जो CP बोलते हैं दिल्ली में, एक स्टैंडर्ड एरिया है, यहाँ पे एयरटेल 5G ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो मैं तो हूँ दिल्ली में और मुझे जाके चेक करना था सच में इन दोनों प्लेस पे एयरटेल 5G चल रहा है कि नहीं, और चल रहा है तो कितना स्पीड आ रहा है। जैसे कि कुछ वीडियोज मैंने देखे थे जिसमें एयरटेल 5G का स्पीड 30 Mbps के आगे भी नहीं जा रहा था, मतलब 4G से बेटर स्पीड दे पाता है अभी करंटली कुछ कुछ लोकेशन पे। तो यार है ना इंटरेस्टिंग, जाके चेक करियो, इन प्लेसेस पे जाके चेक कर लेते हैं, एयरटेल 5G का मजा भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे ना मेरे पास 3 फोन है, तो मेरे पास है iPhone 12 जिसको 5G सपोर्ट के लिए एक अपडेट की जरूरत है, उसके बाद है Pixel 6, ये बहुत सारे बैंड्स के साथ आता है 5G के, बट इसको भी ना नेटवर्क प्रिपेयर में ये 5G सेलेक्ट नहीं कर पाता अभी भी, इसको भी अपडेट की जरूरत है। और मेरे पास है Vivo X80 जिसमें एयरटेल ने ऑफिशियली 5G टेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, और प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप 5G सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। इसी फोन में मैंने अपने एयरटेल का 5G वाला सिम डाला हुआ है, और एयरटेल के लिए अलग से 5G का सिम कार्ड लेने की भी जरूरत नहीं है। और अब जाना पड़ेगा आउटडोर में, और यहाँ पे मैं हेल्प ले रहा हूँ अभिषेक की। और गाइस ऐसी वीडियोस बनाने के लिए यार टाइम देना पड़ता है, घूमना पड़ता है इधर उधर, तो प्लीज यार आपसे बस लाइक की उम्मीद करता हूँ, फटाफट से लाइक करो, 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले गाइस हम चल पड़े दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ, और एयरपोर्ट के अंदर एंटर होने से पहले 1 किलोमीटर हम लोगों ने चेक किया कि कोई सिग्नल मिल रहा है 5G वाला, कुछ भी सिग्नल नहीं था। उसके बाद प्रॉपर हम दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर चले गए, बट सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हम लोगों को कैमरा वगैरह बंद करना पड़ा। तो यहाँ पे ना हम हर एक एंगल से चेक किया, बट यहाँ पे कोई भी एयरटेल 5G का सिग्नल दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास या अंदर अवेलेबल नहीं था। तो यार यहाँ पे मुझे निराशा देखने में मिली, मतलब मैं खुद निराश हो गया कि यार आया था मैं 5G चेक करने के लिए, बट मुझे 4G प्लस का स्पीड चेक करने पड़ रहा है। उसके बाद गाइज हम चल पड़े दिल्ली का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है CP, और यहाँ पे मुझे उम्मीद थी यहाँ पे तो एटलीस्ट मिल सकता था 5G। अभी हम दिल्ली के CP में आ चुके हैं, बहुत ही डेवलप्ड एरिया है दिल्ली का है, और यहाँ पे यार 5G टेस्ट करने में मजा ही आ जाएगा। क्लेम किया जा रहा है कि CP में एयरटेल 5G चल रहा है, तो मैंने कुछ वीडियो देखी थी, और यहाँ पे मेरे पास Vivo X80 है जिसमें मैंने एयरटेल का 5G का सिम कार्ड डाला हुआ है, और फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, 4G प्लस नो 5G। तो पूरा दिल्ली घूम चुका हूँ फिर भी यार 5G का सिग्नल कहीं भी नहीं मिल रहा है, इवन CP में भी, जो यार बहुत स्टैंडर्ड एरिया है, और मैं उम्मीद कर रहा था यहाँ पे तो 5G चलना चाहिए, फिर भी कुछ। और एक्चुअली 4G प्लस का जो स्पीड आ रहा है ना एयरटेल के साथ, यहाँ पे यार बात करें CP में तो मस्त आ रहा है, 44 Mbps का डाउनलोड स्पीड दे रहा है। सो रात के लगभग 10:30 बजने वाले हैं, पूरी दिल्ली घूम के आ चुके हैं, मेन प्लेस पे हम जाके आ चुके हैं, कहीं भी एयरटेल 5G का नामो निशान नहीं है दिल्ली एयरपोर्ट के पास भी, और CP जो कैनॉट प्लेस है दिल्ली का मेन एरिया है जहाँ पे आपको इंडिया गेट वगैरह देखने मिलता है, कहीं भी 5G का नामो निशान नहीं है एयरटेल 5G का। सो ये बात है, बाकी यार ये जो 5G का जो स्पीड हम लोग इंटरनेट पे देख रहे हैं ये IMC के अंदर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ना अलग अलग ऑपरेटर्स अपने स्टॉल डाल के बैठे है, शोकेस किया है, वहाँ पे ना स्पीड मिल रहा है जो एयरटेल का लगभग अराउंड 30 Mbps कभी कभी आ रहा है, कभी कभी 1 Gbps के आसपास भी जा रहा है, बट ट्रूली जो 5G है वो जियो वाला है जिसमें आपको 1 GB के ऊपर ही स्पीड देखने को मिल रहा है। कभी भी चेक करो तो मतलब जितने मैंने वीडियोस देखे जियो कभी भी 500 MB के नीचे मुझे देखने को नहीं मिल रहा, हमेशा वो 1 GB के ऊपर जा रहा है। तो एट द एंड ये जो वीडियो बनाने का मतलब जो था कि दिल्ली में 5G अवेलेबल है कि नहीं, तो हम लोग तो इन दोनों प्लेस और अदर इंपॉर्टेंट प्लेस पे जाके भी चेक किए दिल्ली के अंदर, बट दिल्ली में कहीं भी 5G एयरटेल वाला अवेलेबल नहीं है, ये मुझे चीज़ देखने को मिली। बाकी गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में 5G का सिग्नल मिल रहा हो तो लोकेशन जरूर पिन करना, और उस कमेंट करना, और उसके साथ कितना स्पीड मिल रहा है ये भी आप बता सकते हो। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।